यदि आप किसी मेंढक को खोलते हुए पानी की कड़ाही में डालेंगे तो मेंढक क्या करेगा, वो कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि मेंढक को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की कड़ाही में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा, मेंढक बाहर नहीं कूदेगा। तापमान बढ़ेगा, मेंढक को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेगा। तापमान बढ़ता जाएगा, मेंढक एडजस्ट करता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि चाहे कुछ भी कर लो उसमें रह ही नहीं सकते। तब मेंढक कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक वो अपनी सारी एनर्जी सारा ताकत पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर चुका होगा, कूद नहीं पाएगा, उसी खोलते पानी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम पूछते हैं, कौन मारा मेंढक को, खोलता हुआ पानी, 100 डिग्री का टेम्परेचर, या मेंढक का एडजस्ट करते जाने का नेचर? तीनों। आजादी के बाद इस मुल्क ने आपके साथ मेंढकों जैसा सलूक किया है, उसने तापमान कभी भी इतना एक बार में नहीं बढ़ाया कि आप कड़ाई के बाहर कूद जाएं। हमारा ये प्रजातंत्र आज बढ़ाता गया और आप एडजस्ट करते चले गए, आज बढ़ती चली गई और आप एडजस्ट करते चले गए और आज हालात यहां तक आ गए कि हम अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपने औरतों की अस्मिता का अधिकार खोने की कगार पर आ गए। अरे मूर्खो, अब तो कड़ाही से बाहर कूदो, इस प्रजातंत्र ने तुम्हारे साथ मेंढकों से सलूक किया है। लेकिन तुम तो मेंढक नहीं थे, मानव थे, उच्च कुल के मानव राजा थे।